और एक तरफा सरकार नशा विरोधी अभियान पूरे प्रदेश में चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनूपपुर जिले में कई जगहों पर सड़क के किनारे आए दिन दिन दहाड़े शाम को बेखौफ होकर शराबी शराब बेचते हैं। आबकारी और पुलिस प्रशासन ने नाक के नीचे पुलिस और आबकारी प्रशासन कहते हुए थकते नहीं कि हम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है, बयां करती है ये पूरी तस्वीर, देखिए कि किस प्रकार से सड़क के किनारे अवैध शराब बेची जा रही है। अनूपपुर जिले में लगातार पुलिस प्रशासन और आबकारी विभागों द्वारा कार्रवाई करने का ढिंढोरा पीटा गया है। कितनी ही जगहों पर खबर आ रही थी कि खुलेआम शराब बिक रही है। मीडिया की टीम ने सच दिखाने की कोशिश की, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो पूरी सच्चाई सामने आई है। अंग्रेजी मैकडोनल्ड दिखाई ना, कितना दे रहे हैं मैकडोनल्ड? 240 का। 240 का है? और खंभा? खंभा नहीं है। खंभा नहीं है, आधी आधी मिल जाएगा। 480 का। कहाँ से लाते हैं? जेतहरी। जेतहरी से कौन देता है? रोड ऊपर है, खुद ही आते हैं पहुँचाए का। और ब्लेंडर व्लेंडर नहीं रखते हैं, रम वम जैसे? रम है, बकाड़ी है, रम है। बकाड़ी रम है? कौन सा है बकाड़ी? है कोई अलग दिख रहा है, बकाड़ी है, बकाड़ी रम है। ये कितना का आवत है? 280-70 के। पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ओंकार सिंह। ओंकार सिंह, पूरे जिले में सड़क के किनारे अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, क्या कुछ मामला है ओंकार जी? मनीष जी, एक तरफ देखा जा रहा है, एक तरह से नौटंकी किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, नशा विरोधी अभियान जी हर जगह चलाया गया, हर जगह नशा विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें कार्यवाही की ताबड़तोड़ जी, जिसमें देखा गया है कि यहाँ तक प्रदेश स्तर तक लेके पुलिस अधीक्षक तक लेके सभी शामिल हुए थे, आबकारी विभाग तक, और चालू भी है। लेकिन यहाँ तक ये देखा जा रहा है कि जहाँ इनको कुछ मिल नहीं रहा है जी, वहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं जी। और कुछ ऐसे चिन्हित दुकानें हैं जहाँ ये तय दे के रखे, संरक्षण दे के रखे हुए हैं जी। जैसे कि हम आपको बता दें कि वेंकट नगर चौकी के आसपास महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। जब भी बोला जाता था कि सर अगल बगल कुछ हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कार्रवाई चालू रखते हैं, गश्ती चालू रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मीडिया को काफी लंबे समय से चल रहा सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध सरकारी की जा रही है, जिससे आए दिन हादसा होते जा रहा है, लड़ाई झगड़ा होते जा रहा है, एक्सीडेंट होते। लेकिन अंकर जी, सवाल यह है कि जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता ऐसे मसलों पर? कहीं ना कहीं ये मामला उठ रहा है कि कमीशन का खेल चल रहा है जी। जो अवैध शराब बेच रहे हैं, कमीशन पहुंचा रहे हैं, तो इनसे संतुष्ट हैं, उन दुकानों पे ये लोग नहीं जाते हैं जी। बाकी जहां पर इनको नहीं मिल पा रहा है, मैनेजमेंट का खेल नहीं हो पा रहा है जी, वहां पर ये लोग जाते हैं, छापा मारते हैं जी। आप एक तरफ से देख भी सकते हैं, वेंकट नगर चौकी के महज वहां पर बोल रहे हैं कि नहीं भैया हुआ है हमारे पास, इन्होंने ठेकेदार से बात कराए, बोले कौन पहुंचाता है भाई साहब, स्टिंग खुफिया तरीके से हमने स्टिंग किया जी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार हमें पहुंचाता है। फिर एक पपरौड़ी यानी खूटा टोला के बगल से है, पपरौड़ी पंचायत, उसके बगल से भी महज 100 मीटर की दूरी पर जी, वहाँ भी उन्होंने ब्रांड दिखाया, बकाडी दिखाया। लेकिन जो तरीके से जो लोग शराब बेच रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो शराब के जो ठेके आहाते वाले हैं वो ही शराब पहुंचाते हैं जी। बिल्कुल मनीष जी, उन्होंने सीधा जिक्र किया है कि ये लाइसेंसी वाले जो हैं जो पहुंचाते हैं हमारे यहाँ, आप बेचिए हम देख लेंगे जी। बिल्कुल। लेकिन ओंकार जी, एक बड़ा सवाल ये है, ओंकार जी एक बड़ा सवाल ये है कि कितनी जगहों पर शराब बेची जा रही है? हम आपको बता दें मनीष जी, वेंकट नगर चौकी के पास दो है, एक जतारी क्षेत्र, जतारी जनपद ब्लॉक है जी, वहाँ पर पपरौड़ी पंचायत हो गया, वेंकट नगर चौकी के बगल में हो गया जी, एक चचाई थाना के भी बाजार में हो गया, एक उत्तम सैलून है जी, वहाँ भी खुले तौर पे बेचे जा रहा है, लेकिन अधिकारी आंख मूंद के चलते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन ओंकार जी, इन जगहों पर आबकारी विभाग ने या जिला प्रशासन की टीम ने क्या कार्रवाई की है? इन जगहों पे नहीं की है, इन जगह को छोड़ दिया गया है। बाकी आखिर क्यों छोड़ दिया जाता है इन जगहों पर ओंकार जी? जी बिल्कुल, इन जगहों को क्यों छोड़ दिया जाता है? कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का खेल है जी। अगर हो जाता है तो इनको छोड़ दिया जाता है जी। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए ओंकार जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको
अनूपपुर से हम बता रहे थे, जहां पर सड़क के किनारे लगातार अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन और आबकारी विभाग कार्रवाई करने से डर रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों?